नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया। टेक रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने मोबाइल फ़ोन को 5 मिनट में किसी भी तरह के वायरस से कैसे क्लीन करें। बहुत बेसिक सा रूल है फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड पहले स्टेप की बात करें तो आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पोर्ट से हटा लेना है। मतलब इस स्टडी में आप चार्ज नहीं कर सकते, ये ख़राब तरीका है, सही तरीका नहीं है आप डिवाइस को क्लीन करने का। पहले आपको चार्ज पोर्ट से हटा लेना, चार्जिंग पोर्ट से। उसके बाद आपको डिवाइस को अपना पावर ऑफ कर लेना है। फ्रेंड सेकंड स्टेप की बात करें तो आपको पहले अपने केस को मोबाइल फ़ोन से हटा लेना है। केस को कैसे क्लीन करना है मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, पहले डिवाइस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड ये क्लीनिंग प्रोसेस बहुत बेसिक सा होने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं पहले बता दूँ। माइक्रोफाइबर क्लोथ, हैंडकरचीफ भी होने से चलेगा, वार्म वाटर चाहिए। आप सभी को पता होगा फ्रेंड, गर्म पानी से वायरस जो मर जाते हैं, इसके लिए सोप बाय अल्कोहल आपको चाहिए और कॉटन स्वैब्स चाहिए। याद रखना फ्रेंड, ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग लिक्विड नहीं होना चाहिए, इससे आपका डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है। फ्रेंड आपको पहले गर्म पानी में सोप मिला के एक सोप पाउडर का मिक्सर बनाना है। फिर माइक्रोफाइबर क्लोथ से पानी में डुबा के एक्सेस पानी निकाल लेना है। अच्छे से हल्के हाथों से डिवाइड को आपको साफ कर लेना है। फ्रेंड थर्ड स्टेप की बात करें तो आप स्प्रे बॉटल में सोप वाटर भर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, इससे आपका स्पीकर पोर्ट्स पानी जा सकता है, इससे डिवाइस में प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसके लिए आपको पहले सोप पाउडर को एक क्लोथ में लेना है, फिर उससे आपके डिवाइस को साफ करना है। फ्रेंड फोर्थ स्टेप की बात करें तो कॉटन स्वैब को सोप वाटर नहीं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में हल्के से डुबा के पोर्ट्स, बटन को और डिवाइस के एजेस कॉर्नर को हल्का हाथों से साफ कर लेना फ्रेंड, क्योंकि हमारे एजेस में कॉर्नर में ज़्यादा से ज़्यादा जम्स रहते हैं डिवाइस के। केस की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग डिवाइस में केस यूज़ करते होंगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जम्स केस में लगे रहते हैं। जैसे केस क्लीनिंग की बात करें तो आपको डिवाइस क्लीनिंग के तरह केस क्लीनिंग करना है। इसके लिए आपको सोप वाटर में माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को भिगा लेना है। हल्के हाथों से डिवाइस क्लीनिंग की तरह ही केस को पूरे हल्के हल्के तरह से एजेस टू एजेस क्लीन कर लेना है। फिर इस केस को आपको धूप में रख देना है। धूप में रखने इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए धूप में रखने से आपको पता होगा जैसे हमने कपड़े रखते हैं धूप में तो जम्स मर जाते हैं, उसे केस भी रखे तो जम्स कुछ हद तक मर भी सकता है, इसलिए मैं धूप में रखने को बता रहा हूँ आपको। बहुत कोई बोलेंगे धूप में डिवाइस को क्यों नहीं रखे, क्योंकि डिवाइस को आप धूप में रखते हो तो डिवाइस ओवरहीट हो जाता है, एमोलेड डिस्प्ले हुआ तो डिवाइस ख़राब भी हो सकता है। डिवाइस हम सभी को सब समय लगता है, इसलिए हम धूप में नहीं रख सकते, कैसे रखें, अब सभी को यूज़ करना ही पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप केस को रख सकते हैं धूप में। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।